आप देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, एकदम शानदार। ऐसा आनंद लेने के लिए आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जाना पड़ता है, लेकिन हमारे ये है जीण माता का जो मेन मार्केट है, मोस्टली यही वाला मार्केट लगता है, ज़्यादा दूर में नहीं है, थोड़ी दूर में ही है। दर्शन हो गए हैं, बाकी एकदम VIP दर्शन करके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। फिलहाल एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तकरीबन एक महीना हो गया, टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। और फिलहाल सामने से सनलाइट आ रही है तो उसकी वजह से आंखों में चुभ रही है थोड़ा थोड़ा। टाइम ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास हो रहे हैं और फिलहाल देख रहे हो मेरे पीछे एकदम खाली मैदान है और बस मैं अकेला ही हूँ। हम जा रहे हैं जीण माता घूमने के लिए, माता जी और हरनाथ के मंदिर में जा रहे हैं घूमने के लिए। तो व्लॉग पूरा देखना, मज़ा आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और पूरा पूरा एक महीना हो गया तो यार कंटिन्यू करेंगे, आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप सब लोग सपोर्ट करना। बाकी हमारी एक केदारनाथ की जो ट्रिप थी वो यार कैंसिल हो गई क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी उसकी वजह से। दूसरी चीज़ मेन प्रॉब्लम ये थी कि बारिश की वजह से थोड़ा सा मामला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। बाकी नेक्स्ट मंथ देखेंगे, वो तो ज़रूर जाएंगे केदारनाथ, पक्का ट्रिप करेंगे और एक भी धमाकेदार ट्रिप आने वाली है, बहुत शानदार ट्रिप है। बाकी इस वाली वीडियो को आप इन्जॉय करना, काफ़ी मज़ा आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं और नया क्या क्या है आज माता के मंदिर में, ऐसा तो आपको दिखाते हैं, सीधा निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस फिलहाल देखो मौसम कितना शानदार हो चुका है और घर से हम निकल चुके हैं क्योंकि हमने वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि यार ऐसे ही नहीं करा था, आपको नई लोकेशन पे आज शूट करा था ब्लॉग। और ये देखो शानदार रोड, पहले एक ये सिंगल रोड थी एकदम टूटी फूटी और अभी एकदम नई रोड बनाई हुई है, शानदार ज़बरदस्त। ये देखो कितनी शानदार गजब की रोड है। और देखो हम माता जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में पहुंच चुके हैं, ये देखो कितना शानदार एकदम सुकून वाला रास्ता है, सावन के महीने में एकदम बारिश में एकदम हरा भरा हो गया। और हम जैसे ही यहाँ से नीचे उतरते हैं तो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसी पे मंदिर बना हुआ है, थोड़ा सा लेफ्ट करके और क्या ही देखो अल्टीमेट नज़ारा, एक नंबर। आप देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, एकदम शानदार। ऐसा आनंद लेने के लिए आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जाना पड़ता है, लेकिन हमारे जस्ट एकदम बगल में ही है। और आपको पता ही राजस्थान कैसा है, राजस्थान में पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, न जाने क्या दिख जाए, अनदेखा अनसुना। तो देखो कितना खूबसूरत एकदम शानदार दृश्य आपको दिख रहा है। तो इसी बात पर चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जैसे हम यहाँ से घूमेंगे तो कितना गजब का नज़ारा आएगा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी तो देखो सावन चल रहा है, सावन का दूसरा सोमवार कल है, तो ये पुजारी है ऊपर बहुत सारे। बाकी मंदिर में चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है, आनंद ही आनंद। जय हो माता रानी की। ये माता रानी का दरबार, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से और काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है यहाँ। एंटर होती है ऐसी लाइनें बनी हुई है, तो ये मतलब 2-3 साल हो गए इनको बनाए हुए, 3-4 साल हो गए। ये देखो कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त नज़ारा एकदम, और सही भी लगता है। बाकी दर्शन कर देंगे फिर निकलेंगे आराम से अपना, शानदार। ये इधर एक कुंड भी है ऊपर और ये दर्शन करने का है एरिया पूरा। ये माता रानी के दर्शन कर सकते हो आप, सामने मंदिर है। तो अंदर आ गया मैं दर्शन करने के लिए, देखो मंदिर है लेकिन बाद में बंद करवा देते हैं। दर्शन हो गए हैं, बाकी एकदम VIP दर्शन करके आए हैं, काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, दर्शन तो हो गए, बाकी
ये कुछ सामने का नज़ारा, अभी सावन चल रहा है, सावन में थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, ठीक ठाक भीड़ है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। ये है जीण माता का जो मेन मार्केट है, मोस्टली यही वाला मार्केट लगता है, ज़्यादा दूर में नहीं है, थोड़ी दूर में ही है और काफ़ी ज़्यादा है। आज भीड़ थोड़ी है मतलब, लेकिन जब नवरात्रा होते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। और फिलहाल तो कम ही भीड़ भाड़ है, लेकिन ठीक ठाक है मतलब, इतना भी कम नहीं है और काफ़ी सही है। और जो मेन मार्केट है बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है, इससे ज़्यादा मेन मार्केट नहीं है। तो यहाँ से निकलते हैं और आगे आपको चल के दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। दर्शन काफ़ी इजीली हो गए, काफ़ी अच्छे से हो गए और सुकून मिलता है यहाँ के, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। माता जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे और फिलहाल थोड़ा आउटसाइड आए थे। सो आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सियाराम, जय माता दी।